बुलंदशहर में पुलिस ने पकड़ा हथियारों के सौदागरों का गिरोह। भारी मात्रा में अवैध असलहों के साथ हथियारों के 12 सौदागर गिरफ्तार। कंट्री मेड पिस्टल सप्लाई करने वाले गैंग का सरगना व मुख्य आरोपी भी अभी भी फरार। 7 पिस्टल, 5 तमंचे, 11,509 रुपये और 10 मोबाइल फोन्स बरामद। दिल्ली NCR में अवैध असलहों की सप्लाई करते थे हथियारों के सौदागर। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से भी बताया जा रहा गिरफ्तार सप्लायर गैंग का कनेक्शन। बुलंदशहर नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में कोतवाली पुलिस को ये क्रेडिबल एक इनपुट मिला था कि एक गैंग है जो कि क्षेत्र में सक्रिय है और शस्त्र की प्रोक्योरिंग और सप्लाई अवैध शस्त्रों की ये कर रहा है। इस सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर की टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए आज कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 7 पिस्टल 32 बोर के और 10 जिंदा कारतूस, 5 तमंचे 315 बोर के और 5 जिंदा कारतूस, कुछ नगद रुपए और इनके पास से इनके मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। पूछताछ पे और इनके पास जो फ़ोन इत्यादि हैं उन सबको चेक करने पे यह बात स्पष्ट हुई कि ये एक संगठित गिरोह है जो कि शस्त्रों की सप्लाई का काम करता है। इनमें जो 12 लोग अभी पकड़े गए हैं उनके पास से ये अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं और ये NCR क्षेत्र में विभिन्न जनपदों में सप्लाई का काम करते हैं। इनके 2 साथी जो कि मुख्य भूमिका में है सप्लायर के रूप में जो सोर्स का काम करते हैं उनके नाम बिलाल और रिजवान हैं। इन दोनों की अभी गिरफ्तारी शेष रह रही है। इन बारह को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।